दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल ही लेटेस्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं ड्रामा चुपके चुपके के एपिसोड 14 के ऊपर। आज हम एक नया एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो पिछले दो एपिसोड रहे उनमें इस ड्रामा की पूरी वाइब चेंज हो गई है, जो उन दोनों घरों के बीच में जो रिश्ते थे वो रिश्ते भी काफी हद तक अब चेंज हो गए हैं। तो मैं ज्यादा बात यहां पर नहीं करना चाहूंगा, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, एपिसोड 14 पे चलते हैं, इसे देखते हैं और इसके बारे में हम बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखो, ठीक है। बाकी वीडियोज को भी जाकर चेकआउट जरूर कर लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस चैनल पर हम किस तरीके की वीडियोज रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं। फिलहाल सभी चीजों को साइड पे रखते हैं, इस नए एपिसोड पे चलते हैं, इसे देखते और इसके बारे में बात करते हैं। हवलदार मीनू को देखते हुए तुम क्या मुंह उठा के आगे बाहर? अब्बा ने कहा था दरवाजा बंद करो। क्यों? हमारे क्या हाथ पैर टूटे हैं जो हम नहीं कर सकते? तो आप कर दे बंद। हाँ करता हूँ, तुम जाओ। क्यों? अरे देख नहीं रही हो, पुलिस आई रही है बाहर। अरे भाई अपने घर में खड़ी हुई हूँ मैं। मीनू कितनी बार कहा है मेरे साथ फजूल बहस मत किया करो। मैं बहस कर रही हूँ आपसे, आप कर रहे हैं बहस। मैं करूँ? बाजी अब मुझे दरवाजा बंद कर लिया? नहीं, इन्होंने मुझे बातों में लगा लिया। ओह अगर आप लोग कोई खास बात करें तो मैं अंदर चली जाऊँ? नहीं। अच्छा तुम जा रही हो कि नहीं? आप बातें करना बंद करेंगे तो जाऊंगी ना मैं। मैंने लगाया है बातों में? मेरी इतनी मजाल। मैडम आप अंदर जाएं, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। याद कर दीजिएगा दरवाजा बंद। चलो अम्मा आप बाजी की पेशेंस टेस्ट हो रही है। कोई गुल खिल चुका है अब तक। हाय मेरा अम्मा असंभव लाभ धूमठल। हाय मिस्कीन को गोली ना लग जाए। मिस्कीन भाई गोली खाने वालों में से नहीं है, गोलियां कराने वालों में से है। मैं सोच रही हूँ सुबह में ना मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ, कम से कम वो जगह तो सेफ है ना। ऐसा करो अभी उसी वक्त चली जाओ, इसको देखिए भाई और बहनों की कोई टेंशन नहीं। हाँ उफला मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है नींद से। मेरी भी शायद मोतिया उतर रहा है। मैं कह रही हूँ वहाँ कुछ ना कुछ हो चुका होगा अब तक। वलीद आ गया होगा। वलीद का एक्सप्रेशन देखना है मुझे, जब से पता चलेगा चूहा वो बिखोती ग्राउंड का, देख लो इसे। है कर लो क्यों नु पांडा। तुम्हें चोर और वलीद में कोई फर्क ही नजर नहीं आया है? जब ये डफर वलीद चोरों की तरह गेट फलांगेगा तो सब यही समझेंगे ना, स्टुपिड। अरे भाई तुमने बेल क्यों नहीं बजाई? मैंने सोचा सबकी नींद खराब होगी। माशाल्लाह नींद ना खराब हो जाए, पूरा निकाह का इवेंट तूने खराब कर दिया था। 9-2-11 हो गए थे, अपना ये जहेज उठा के तू क्रिकेट के लिए। अफाजी की नींद भी बर्बाद कर दी थी तुमने। चची वैसे आप अपने दामाद की प्रोग्रेस तो चेक करें, अपनी साली की एक आवाज पे तीर की तरह सीधा बजाए यहाँ। शाबाश वेरी गुड। तुम क्या गेमें खेल रही थी सारी रात बेबे के फोन पर? वो मीनू बाजी कमरे में थी, मुझे डर लग रहा था। तो तू क्या फेल होने का सोग बना रही थी लॉन में आधी रात को? आप अपनी चहेती से पूछे ना, आधी रात को क्यों किसी अहरे गहरे से फोन पे बातें करी थी। चलो भाई सब निकलो, सारे नीमे नीमे होके यहाँ कुछ जलसा करना है रल मिल के। चलो भी जाओ तंग ना करो। चले मिस्कीन भाई। वक्त कहाँ चले, बैठो सोच तो कर लो पहले। किस चीज का? मीनू भाभी हमारी फेल हो गई है, अब सारी जिंदगी वही तो करना है। अच्छा अच्छा मिस्कीन ज्यादा शोखा होने की जरूरत नहीं है, खुद ही पढ़ा लेगा फाजी, खैर उस्ताद जी है। बीवियां ही तो पढ़ाती हैं शोहरों को शादी के बाद, वो भी ससुराल के खिलाफ पटियां। बस कर दें अपनी सस्ती कॉमेडी और चलें। वत क्या बहुत सस्ती कॉमेडी। किसने लिखे ये डायलॉग यार? यानी खामखा ड्रामा मचा दिया बिंडी ने। का ड्रामा तो बाद में करूंगा, पहले मैं तेरी फिल्म शुरू कर दूंगा। यहाँ पे ठाए जहेज और निकल चल। तू भी फिरा फोन पकड़ा मुझे वड्डी आई चिल्ला को मासी इधर दे। बेबे आपको क्या जरूरत थी फाजी के सामने मीनू के फेल होने की बात करने की? ले मेरा क्या कसूर है, इस मिर्ची ने लगाया था स्टेटस पूरा का पूरा रिजल्ट, साथ लिखा था फीलिंग सैड। मुझे क्या पता क्या क्या करती फिरती है। चलो भाई चलो, बहुत नींद आ रही है भाई, सब सोएंगे। चलो 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 तुम्हारे जख्म हरे हो जाते हैं। मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ पढ़ना है, किसको दोस्त बनाना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, मेरी जिंदगी के सारे अहम फैसले आपने किए हैं।
हाँ तो एक मिनट, बड़ी बहन हूँ तुमसे, हक बनता है ये मेरा? बस एक रिक्वेस्ट की थी आपसे, हाँ, एक वेल एजुकेटेड सेंसिबल और मच्योर लाइफ पार्टनर मांगा था और कुछ नहीं, और आपने क्या किया, लाकर खड़ा कर दिया मेरे सामने उस बोंगी मीनू को। बोंगी? ये सारी जिंदगी इस तरह ताने देता रहेगा मुझे? सरकार आप ही को शौक था ना बुआ बनने का, अब भुगतो। तुझे भी तो भुगत रही है, चलता फिरता सांस लेता वायरस, वो तो फिर भी उसका सगा भाई है। आज आपने प्रूव कर दिया, आज आपने प्रूव कर दिया कि घर का पीर चुल कवटा। प्लीज मिस्कीन भाई, हर वक्त उठपटांग बातें करते रहते हैं। ये तो स्टार्टिंग से ही प्रूव हो रहा है। इनके कमरे में जाके सो जाया करें। आप प्लीज अपने इंटेलिजेंट मियां को समझाइए कि चश्मा लगा के कौन सोता है। एग्जैक्टली, देख लिया तुमने ये चमकी और मंकी को, दोनों को देख लिया। ये दोनों अगर ना टली और अगर इन लोगों ने बड़े बहनों की इज्जत ना की तो मैं बता रहा हूँ मैं गुस्से में आ जाऊंगा और मैं चला जाऊंगा साथ का बात जा रहा हूँ मैं। मिस्किन मैं कुछ जीवन दे ना मारिया कर चवला। और तुम दोनों शर्म करो, भाइयों की तरह। थैंक यू सरकार। रो तो ऐसे रही हो जैसे पहली बार फेल हुई हो। बात मत करो मुझसे। लो रात को बेइज्जती मेरी खराब की तुमने चोर 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 करके। तो इंसानों की तरह आना था ना। इंसानों की तरह आता तो जानवरों जैसा सलूक होता मेरे साथ। वो तो शुक्र करो पुलिस की वजह से बच बचाव हो गया। बात तो सही है। अरे भाई कुछ मिल सकता है, बहुत प्यास लग रही है। सबर करो। पता था मुझे टैंक की ऐड हो रही है। अरे वाह टैंक। पता था मुझे, मैंने पहले ही देख लिया था। ए मिर्ची, लोग बड़े मगरूर हो गए निकाह के बाद। आप कैसे आ गए इतनी जल्दी? अरे वो कोच के अब्बा कूच कर गए थे तो कैंप ही कैंसिल हो गया। इसी खुशी में ये टैंक भी है। बात सुनो मिर्ची, ये टैंक ना मैंने अपने लिए मंगवाए हैं। इतना सारा तो है टैंक, आप पिए ना बहुत मजे का है टैंक। बढ़िया। अरे वलीद को तो पूछो यार। मीनू कहाँ है? अंदर ही होगी। उसे कहो कॉलेज आए कल से। अगले हफ्ते शादी है तुम दोनों की। और उससे अगले हफ्ते बेटा पेपर है उसका। सुकून से फंक्शन तो अटेंड करने दो उस बेचारी को। बेचारी? और उस बेचारी की वजह से मेरा सुकून जो बर्बाद हुआ है उसका क्या? हाँ अभी पेपर क्लियर ना किए ना तो सारी जिंदगी नहीं कर पाएगी यार। बेबे नहीं मानेंगी अभी उसको कॉलेज भिजवाने के लिए। क्यों नहीं मानेंगी? मैं खुद जाके बात करके आता हूँ चची जान से। मीनू रुको। जी। कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो तुम? शादी है ना भाई। तुम दोनों मियाँ बीवी के आपसी मामला थे, मैं निकलता हूँ। मियाँ बीवी? बताओ कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? कल से जाऊंगी। अरे क्या कर रही हो यार? सॉरी गलती से हो गया। कल से नहीं आज से जाओगी तुम कॉलेज और मैं खुद छोड़ के आऊंगा तुम्हें। नहीं वली से कह दूंगी ना, वो छोड़ कर आ जाएगा, आप रहने दें। रुको ना। ऐसा पहली बार हुआ यार, कोई और भाई भाई है इस ड्रामा से। ये देखें फाजी भाई और मीनू बाजी की तस्वीरें। वाह बड़ी मोहब्बतों के मुजाहरे हो रहे हैं भिंडी। बाय द वे ये तो चिपक क्यों खड़ी हो फाजी भैया के साथ? अपने शोहर का दीदार तो करवाओ। लो कर लो। कल थोड़ी कह रहा हूँ फाजी भैया, बात तो मेरी ही कर रहे थे ना। अस्तग़फ़िरुल्लाह आप तो मीनू के भाई हैं। मैं तो अशर भाई की बात कर रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं? अभी उसको नहीं पता है ना यार, तभी तो बोंगिया मार रहा है। अच्छा अभी नहीं पता इसे। तुझे पता है किसके साथ निकाह हुआ है मीनू का? हाँ फाजी भैया के साले अशर भाई के साथ। अबे अब तू हो गया साला फाजी भैया का। क्या मतलब? फाजी भैया ही तो है मीनू बाजी के दूल्हे राजा। दोनों का मजाक उड़ रहा है। जिंदगी बर्बाद। ज्यादा जिंदगी बर्बाद। ये कब हुआ?
मना किया तो था मत रखो किताबें। तुम्हारी दो बार किताबें बंद हो चुकी है अभी तक। इतने अच्छे तो हैं फाजी भैया। उठो उठो चलो निकलो मेरे कमरे से चलो। बड़ी आई फिल्म के बाद इंटरवल में इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया कैसे? जब इंसान की किस्मत ही खराब हो ना तो हीरो भी ना विलन लगने लगते हैं। लेकिन हुआ क्या? मुझे तो लगता है तुम्हें पहली बॉल पे आउट कर दिया। सबने मिलके ना मेरे खिलाफ साजिश की है, माफ नहीं करूंगी मैं इन सबको। तो रो क्यों रही हो? ज्यादती हुई है मेरे साथ भाई, मुझे नहीं करनी उनके साथ कोई शादी। हाँ तो इनकार कर दो ना, तुम्हारी कौन सी रुखसती हुई है अभी उनके साथ? निकाह हो चुका है ना। लानत है तुझे, कैसी नेश गलत बात करी है। हाँ तो आप लोगों ने मुझे ज्यादती की है इसके साथ। चल नीवान में होकर निकल जबरना जुत्ती लाल है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेबी एक मिनट, अब मैं देखें बड़ा हो गया हूँ जवान हो गया हूँ तो आप मुझ पे हमले मत किया करें, खास तौर पे अपने हथियार लेके। अच्छा 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 चल नहीं खुलो चल उठ जाना है कॉलेज फाजी के साथ उठ जा। ये आप लोग एक ही बार मुझे गोली करी मार देते हैं। पागले बेवकूफे तेरा निकाह हो गया शौहर है तेरा, चंगा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रुखसती से पहले। चल उठ रहने दे बस नहीं जाना। अरे पागल ही कर दिया इस लड़की ने तो। नैश पड़ गई मत्थे नैश। ओके गाइस तो यहां पर हम इस पार्ट को रोक दे। वही मैं सोच रहा था यार कि वलीद को पता चल गया कि फाजी और मीनू का ऐसे निकाह हुआ है तो उसका कोई वैसा जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई लाउड एक्सप्रेशन वाला कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं आया। तो अभी तक उसे लग रहा था कि मतलब जैसे चल रहा था जैसे रिश्ता हुआ था उन्हीं की शादी हुई है उन्हीं का निकाह हुआ है। लेकिन यार ये बहुत ही बढ़िया था, हाईलाइट तो यही था इस पार्ट का जो अभी हमने चेकआउट करा है। ये जो वलीद जोर जोर से और वलीद के आसपास जो थे मिर्ची और हादी कैसे हंस रहे थे सभी लोग, बढ़िया था यार ये पार्ट भी बहुत ही अच्छा था। और अब ना पूरी वाइब चेंज हो गई है अब वो हीरो हीरोइन वाला ड्रामा लग रहा है ठीक है काफ़ी एंगल से। अब जैसे मीनू और फाजी की इंटरेक्शन हो रही है बढ़िया लग रहा है। ओके गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में एपिसोड 14 के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को। बाय।